हेलो दोस्तों, आपको सॉइल को छूना अच्छा लगता है ना? इसीलिए तो मुझे बागबानी पसंद है। Hey, डॉक्टर बी, क्या हो रहा है? कैसे हैं मिस्टर मोल? मैं बस अपने दोस्तों को बता रहा था कि मुझे सॉइल में बागबानी बहुत पसंद है। हाँ, मुझे भी पसंद है, मैं तो इसी में रहता हूँ। पर क्या वो जानते हैं कि जो हम देखते हैं वो बस सॉइल का ऊपरी हिस्सा होता है? Well, क्या कमाल की बात कही आपने मिस्टर मोल। चलिए आज हम इनको बताते हैं सॉइल की अलग अलग परतों के बारे में। आइए दोस्तों, ज़ूम इन। तो दोस्तों, हमारी सॉइल बनती है 5 अलग अलग परतों से। ये जिस पर हम खड़े हैं इसे कहते हैं ओ होराइजन। ये है सबसे ऊपरी परत जहां सारी पत्तियां और ऑर्गेनिक मैटर सड़ता है और बनता है हमस। इससे हमें पता चलता है कि सॉइल कितनी उपजाऊ हो सकती है। सॉइल टाइप को देखते हुए ये हो सकती है मोटी, पतली या बिल्कुल नहीं हो सकती। इसके एकदम नीचे मौजूद है ए होराइजन, जिसे टॉप सॉइल भी कहते हैं। और इस सॉइल में हम बोते हैं बीज, जिससे वो बड़े होकर बन जाए मजबूत हेल्दी पौधे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें होते हैं खूब सारे मिनरल्स और हमस। ये मुलायम और पोरस होती है, जिससे पौधे अपनी जड़ें आराम से फैला सकें। और यही वो जगह है जहां कीड़े और रोडेंट्स घर बनाते हैं। मेरे घर में आपका स्वागत है। इसके नीचे होती है बी होराइजन या सब सॉइल, जो होती है कठोर और ठोस। इसलिए सिर्फ बड़े और मजबूत पौधों की जड़ें ही इतनी दूर तक पहुंच कर फैल सकती हैं। और उनकी मेहनत रंग भी लाती है, क्योंकि इस परत में बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स और क्ले होते हैं। अब हम पहुंच गए सी होराइजन या रेगोलिथ पर। मजेदार नाम है ना? और ये परत है वेदर्ड पेरेंट रॉक की, और इसमें प्लांट या ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल नहीं होते। और आखिर में हमारे पास है बेडरॉक। ये सबसे कड़ी परत है और इसमें होती है अनवेदर्ड पेरेंट रॉक, जो सारी ऊपरी परतों को सहारा देती है, जैसे आपके पेरेंट्स आपको सहारा देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और मजेदार फैक्ट्स के लिए डॉक्टर बी, लग रहा है कुछ भूल रहे हैं आप। हाँ, ठीक कहा, मैं तो भूल ही गया था। ट्रिविया टाइम। धूल बस वो सॉइल है जिसमें जीवन को बनाए रखने की क्षमता नहीं रहती। ये है डेड सॉइल। सॉइल की एक और परत होती है जो है ए और बी होराइजन के बीच, जिसे कहते हैं एल्यूवियेशन लेयर या फिर ई होराइजन। तो क्या कहते हो, मजा आया ना? जानते हो, हमारे आसपास बहुत कुछ हो रहा है। आपका मतलब है पांव के नीचे डॉक्टर बी। तो दोस्तों, लेयर सी का दूसरा नाम क्या है? वेल, इसके बारे में सोचो। अभी के लिए ज़ूमिंग आउट। और भी फन फैक्ट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए।